नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एड्रेनोसेप्टर्स के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल्स को एक बेहतरीन ट्रिक्स के सहारे याद रखेंगे, जिससे इसे भूल पाना नामुमकिन होगा। दोस्तों, तो आपसे दरखास्त है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यहाँ पे हम पहले देखेंगे एड्रेनोसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल को कैसे याद रखें। देखो, सबसे पहले तो एड्रेनोसेप्टर्स को ऐसे लिख लो, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन एंड बीटा टू करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो एग्जाम्पल, वो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होंगे इस रिसेप्टर्स के। तो यहाँ पे सिर्फ जैसे ही लिख दिया अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू, तो इसकी विपरीत दिशा में लिख लेना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके लिख देने के बाद में आप देखो इसके एग्जाम्पल कैसे याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बीटा टू का एंटागोनिस्ट जो होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे दिख रहा है, एक बटॉक्स की तरह दिख रहा है ना, तो ये बटॉक्स है, तो बटॉक्स की तरह से याद रखेगा ब्यूटॉक्सामाइन करके, है ना, ब्यूटॉक्सामाइन अपने बटॉक्स होते हैं तो उससे ये दिखता है डब्ल्यू, तो उससे याद हो जाएगा ब्यूटॉक्सामाइन ये इसका एंटागोनिस्ट है ना। फिर बात करेंगे एक्स की, एक्स इसके लिए लिखा है कि सभी को पता है ये ड्रग कौन से, इसलिए जैसे हम जनरली एक्स लिख देते हैं तो ये सभी को पता होता है एक्स, है ना, हमारा एक्स कौन था ये सभी को पता होता है। तो एक्स से जो भी ड्रग है वो सभी को पता है, लॉल वाले एसीब्यूटालॉल, मेटोप्रोलॉल और एट्रिनोलॉल, ये जो है सेलेक्टिव बीटा वन के एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये सभी को पता है, इसके लिए इसे एक्स लिखा है। नेक्स्ट है अल्फा टू रिसेप्टर का सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा योहिम्बिन, वाई से योहिम्बिन होगा। और अल्फा वन के जो एंटागोनिस्ट है वो जेड से होंगे, जेड से यहाँ पे जोसिन को याद रखना है, जोसिन जिसका भी सफिक्स होगा, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन और ये डॉक्साजोसिन करके, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये एंटागोनिस्ट कैसे हुआ। यहाँ पे देखो, एक्स आपको ये बता रहा है कि जब भी आप डब्ल्यू एक्स वाई जेड का ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तो यक्स यानी क्या है, वहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक है यानी कि एंटागोनिस्ट। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाले जो ड्रग हमने देखे हैं वो अपने अपने रिसेप्टर के सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लो, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू, और विपरीत दिशा में लिखना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। W जैसे बिटॉक्स की तरह दिख रहा है तो ये ब्यूटॉक्सामाइन, X सभी को पता है इसलिए X लिखा है, अपना X सभी को पता होता है, तो एसीब्यूटालॉल, मेटोप्रोलॉल, एट्रिनोलॉल जैसे ड्रग्स इसमें आएंगे। Y जो से होगा योहिम्बिन जो अल्फा टू का एंटागोनिस्ट होगा, और जेड से जोसिन वाले, जो जोसिन सफिक्स होता है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये अल्फा वन के एंटागोनिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं एगोनिस्ट, ठीक है, जैसे ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाला हुआ, एक्स ने हमें बता दिया जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाला ट्रिक है वो एंटागोनिस्ट के लिए है। अब यहाँ पे जो है एगोनिस्ट देखेंगे तो इसमें भी हमने लिख देना है अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू। अब इसको कैसे बोलोगे, देखो जेड लाइन, जेबरा लाइन होती है ना रस्ते पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, तो वो जेड लाइन नीडिंग टू सेल इन मॉल, ऐसे बोलना है, जेड लाइन नीडिंग टू सेल इन मॉल, ऐसे बोल के ये चारों वर्ड्स यहाँ पे लिख देंगे, यही हमें बताएंगे कि इसमें कौन से ड्रग आएंगे। तो देखो, ये जेड लाइन से होगा जोलीन, जिसका भी सफिक्स जोलीन होता है ना वो अल्फा वन रिसेप्टर का एगोनिस्ट होगा। जोलीन जैसे नाफाजोलीन, जाइलोमेटाजोलीन, ऑक्सीमेटाजोलीन, और ये फिनिलएफ्रिन करके एक ड्रग है, इसको याद रख लेना, इसके अंदर फिनिलएफ्रिन ड्रग जो है अल्फा वन का एगोनिस्ट होगा, और इसमें याद रखो ये फिनिलएफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा टू रिसेप्टर, अल्फा टू रिसेप्टर का एगोनिस्ट में आएगा नीडिंग, नीडिंग यानी यहाँ पे नीडिन है, क्लोनीडिन, ब्रोमिनीडिन जैसे ड्रग यहाँ पे आएंगे अल्फा टू के सेलेक्टिव एगोनिस्ट के अंदर। फिर बीटा वन रिसेप्टर का एगोनिस्ट क्या होगा, टू, टू यानी क्या, दो, ठीक है, दो से याद रखना है, दो ब्यूटामाइन डोपामाइन करके, डो ब्यूटामाइन एंड डोपामाइन करके ये बीटा वन रिसेप्टर के एगोनिस्ट होंगे। और बात करेंगे यहाँ पे बीटा टू रिसेप्टर के एगोनिस्ट की, तो सेलिन मॉल, तो ऐसे को याद रखेंगे साल ब्यूटामॉल, ठीक है, साल ब्यूटा, ब्रोंकोडायलेटर यहाँ पे आएंगे, साल ब्यूटामॉल। फिर टर्ब्यूटालिन, साल्मेटेरॉल, अल्ब्यूटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल जैसे ड्रग यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले जब साल ब्यूटामॉल याद आ जाएगा तो बाकी सारे ड्रग याद आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे अस्थमा में इस्तेमाल होते हैं बीटा टू के एगोनिस्ट, साल ब्यूटामॉल, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू को लिख देना है, फिर बोलना है जेब्रा लाइन्स नीडिंग टू सेलिन मॉल, जेड लाइन से होगा जोलिन, जोलिन से
नाफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन और ये फिनिलेफ्रिन को याद रखिए। फिर है अल्फा टू के लिए नीडिन, नीडिन यानी नीडिन, क्लोनीडिन और ब्रोमीडिन जो है अल्फा टू के एगोनिस्ट होंगे। बीटा वन के लिए टू आया, टू से दो, दो से डोपामाइन, डो ब्यूटामाइन को याद रखना है। और बीटा टू के लिए सेलिन मॉल यानी सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सालमेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, अल्ब्यूटेरॉल, ऐसे ड्रग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और अल्फा वन का जो रिसेप्टर है एंटेगोनिस्ट, उसमें एक और एक ड्रग है, ये जो झोसिन बोला था ना, इसमें एक लोसिन भी आता है, टैम्सुलोसिन करके ड्रग आएगा। ठीक है, अल्फ्यूजोसिन एक आता है, अल्फ्यूजोसिन, और एक आएगा टैम्सुलोसिन, टैम्सुलोसिन करके। ठीक है, ये स्पेशली अल्फा वन ए रिसेप्टर का एंटेगोनिस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके अपने जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।